नमस्कार, आपण पाहतात कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब, शेअर, लाईक, कमेंट करून महाराष्ट्र भारतातील नवनवीन बातम्यांसाठी बेल आयकन दाबायला विसरू नका। भारत के प्रधानमंत्री से, देश की ईडी से, उन तमाम अधिकारियों से ये पूछना चाहता हूं कि किसके दबाव में, जब बयान में मेरा नाम नहीं, न्यायालय के सामने दिए गए बयान में मेरा नाम नहीं, ईडी के सामने दिए गए स्टेटमेंट में मेरा नाम नहीं, तो ईडी के अधिकारियों की हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने चार्जशीट में मेरा नाम लिखकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की, मीडिया में मेरे खिलाफ खबरें चलवाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा प्रायोजित पीसी कराई गई। और मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहता हूं ईडी के अधिकारियों से कि नरेंद्र मोदी जी ने तो अपने लिए नियम बना लिया है, रिटायरमेंट की उम्र उनकी 75 साल है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया में जब तुम लोग फंसोगे तो फिर दुनिया में कोई बचाने नहीं आएगा। ऐसे झूठे और बेबुनियाद काम मत करो, ऐसे फर्जी बदनाम करने की कोशिश मत करो, और इसलिए क्योंकि इस झूठे चार्जशीट के आधार पर मेरे खिलाफ टीवी चैनल पर खबर चली, मेरे खिलाफ भाजपाइयों ने प्रेस वार्ता करी, मेरे खिलाफ तमाम दुष्प्रचार किया ईडी ने, इसलिए ईडी के तमाम अधिकारियों के खिलाफ, इनके डायरेक्टर एसके मिश्रा के खिलाफ, इनकी अधिकारी जिसने इस पे दस्तखत किया है भानुप्रिया के खिलाफ, इनका आईओ जुगेंद्र सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस करूंगा, आपराधिक मानहानि का मुकदमा करूंगा, इनको बेनकाब करूंगा। पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं इस जन्म में नहीं अगले जन्म में भी भ्रष्टाचार के एक भी सबूत और प्रमाण मेरे खिलाफ नहीं पाओगे। मैंने पूरा जीवन एक थक्कड़ की तरह ईमानदारी से बिताया है, आगे मरते दम तक उसी रास्ते पर चलूंगा। आप ये सब काम कर रहे हैं, मैं खुद हैरान था कैसे नाम आ रहे हैं, कैसे कहानियां बनाई जा रही। दिनेश अरोड़ा न्यायालय के सामने बयान नहीं देता, मेरा नाम नहीं लेता। दिनेश अरोड़ा ईडी के सामने नहीं कहता कि मेरे कहने पे कोई लीकर साफ ट्रांसफर हुई, ना न्यायालय के सामने कहता है, बल्कि न्यायालय के सामने तो कह रहा है कि आपके लीडर्स मनीष सिसोदिया, संजय सिंह लीकर कंजम्पशन नहीं करते, नहीं पीते, और उसके बाद भी आपने मेरा नाम चार्जशीट में डाल दिया। तो डाला क्यों? अब इसकी क्रोनोलॉजी मैं आपको बताता हूं, ये क्यों डाला, ये क्यों दुश्मनी निभाई जा रही मुझसे, ये बात देखिए। 12 दिसंबर को ये मेरा संसद में दिया गया भाषण है, कब, इसमें तारीख लिखी हुई है 12 दिसंबर 2022 को मैंने ईडी के मिसयूज के खिलाफ लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में 12 दिसंबर 2022 को यह बयान दिया कि ईडी 3000 छापेमारी करती है, मात्र 0.5% उसका कन्विक्शन रेट है, लोगों को फर्जी फंसा रही है और जेल में डाल रही है, लोगों के घरों पर फर्जी छापेमारी कर रही है और प्रताड़ित कर रही है। यह मामला देश की संसद में मैंने उठाया और भारत की संसद ने मुझे कहा, माननीय सभापति जी ने मुझसे कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं उसको रिकॉर्ड पर लाइए। मुझे प्रिविलेज कमेटी का विशेषाधिकार समिति के द्वारा मुझसे पूछा गया कि जो बातें आप कह रहे हैं उससे संबंधित साक्ष्य लाइए। और आप देखिए, आज तो यह लगता है ईडी भारत की संसद से बड़ी हो गई। 12 दिसंबर को मैं बोलता हूं और 6 जनवरी को चार्जशीट में मेरा नाम शामिल कर दिया जाता है, जबकि 1/10/2022 के बयान में दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया, और उसके पहले जब 164 का उसका न्यायालय के सामने बयान हुआ उसमें भी दिनेश अरोड़ा ने मेरा नाम नहीं लिया, बावजूद इसके चार्जशीट में 6 जनवरी को 12 दिसंबर के इस भाषण के बाद जबरन चार्जशीट में मेरा नाम शामिल किया जाता है। अब ये देश की संसद में बैठने वाले सांसदों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या देश की संसद से बड़ी हो गई है ईडी। और मैं कहना चाहता हूं आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उन तमाम लोगों से, क्योंकि भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति ने मुझसे कहा है कि जानकारी दीजिए कि ईडी कैसे फर्जी और झूठे मामले बना रहा है, मैं पूरे देश में सुनने वाले लोगों से यह कहना चाहता हूं, अगर आपके खिलाफ ईडी ने फर्जी मामले बनाए हैं, फर्जी मुकदमे बनाए हैं, कृपा करके मुझे जानकारी दीजिए, मैं वो भारत की संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने ये पूरा विषय, आपकी पूरी जानकारी, आपके पूरे मामले को रखूंगा। पात्रा निर्भीड सत्य अर्थात सर्वसामान्यांचे व्यासपीठ, आपल्या सर्वांच्या हक्काचे चॅनल कटू सत्य लाईव्ह न्यूज। धन्यवाद।